गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आइडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक अप्रोच क्या है। ये अप्रोच जो है इसमें होता है कि व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के अध्ययन करने के लिए जो है कई तरह का शोध विधि का प्रतिपादन किया, और जिसमें कि दो शोध उपागम का अधिक लोकप्रिय रहा, जिसमें कि हम मतलब ऑडियोग्राफिक अप्रोच जो है इसमें दिया गया है। तो इस अध्ययन में ऑडियोग्राफिक अप्रोच में जो है इस अध्ययन के विधि में किसी एक व्यक्ति का विस्तृत विश्लेषण करके या फिर बीमाओं के जो उस व्यक्ति को समझने के लिए आवश्यक होता है, और उसका विश्लेषण करके व्यक्ति को समझने की कोशिश की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस उपागम में या विशिष्ट व्यक्तियों को जो है एक अनोखेपन से या फिर अपूर्वता के अध्ययन पर बल डाला गया है। इस तरह से किया जाता है इस शोधकर्ताओं में, या इसमें जो है शोधकर्ता उन सिलगुनों को के या फिर संजोग भी कहेंगे इसकी पहचान करने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात है कि इसमें कोई मतलब एक विशिष्ट व्यक्ति के या फिर व्यक्तित्व की व्याख्या एक उचित ढंग से करता है, और इस उपागम के प्रमुख समर्थक जैसे कि गार्डन, ऑलपोर्ट या फिर इसमें जो है गार्डन ऑलपोर्ट ने इसको तीन भागों में बांटा। सबसे पहले मतलब कोडिनल ट्रायल्ड या फिर सेंट्रल ट्रायल्ड या फिर गॉन ट्रायल्ड, फिर उसके बाद है सेकेंडरी ट्रायल। और इन तीनों सिलगुनों के पहचान करके जो है ऑलपोर्ट ने व्यक्ति के जो व्यक्तित्व के जो है कुछ व्याख्या या फिर काफ़ी संतोषजनक ढंग से ही इन तीनों का सिलगुनों का विस्तृत व्याख्या जो है ऑलपोर्ट के सिद्धांत के द्वारा किया गया। उसके बाद है कि इसमें जो है नोमोथेटिक अप्रोच। तो नोमोथेटिक अप्रोच में जैसे कि नियमा या फिर नियोसी उपागम भी इसको कहा जाता है, व्यक्ति का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, और इस उपागम में अध्ययन किए जाने वाले सभी व्यक्ति की तुलना जो है व्यक्ति के चुने गए या फिर खास बीमाओं पर की जाती है। क्या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसके दृष्टिकोण या अध्ययनकर्ता को व्यक्ति के कुछ खास बीमारियों या फिर जैसे कि मान लीजिए कि अंतर्मुखी या फिर उस जैसे उत्तरदायित्व या फिर किसी का चयन करना या फिर व्यक्ति के तुलनात्मक किसी रूप से तुलना करना, ये सब बातों जो है इस अध्ययन के द्वारा किया जाता है। और इसमें जैसे कि प्रत्येक बीमा पर जो है व्यक्ति या फिर प्राप्त माध्यमों से इसका तुलना जो है आपस में करके किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है ऑलपोर्ट के द्वारा इस उपागम पे भी बहुत बल डाला गया, परंतु उतना महत्वपूर्ण नहीं बताया गया जितना कि एक मतलब भावमूलक उपागम को बताया गया है। ऑलपोर्ट का कहना था कि इसमें जो है व्यक्ति का जो भीतर कुछ मतलब अनुक्रिया चलता है उसे वो नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे वो गौण करके रखते हैं। उतना ये मतलब एक महत्वपूर्ण विधि नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी मूल भावक को एक महत्वपूर्ण स्थान पे रखा गया है। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि टाइप ऑफ अप्रोच कितने प्रकार के होती है। धन्यवाद।